इतने दाव पेच लगाने के बावजूद भी? फिर भी इस बिंदी ने सबको रस्म में शामिल कर ही लिया। फिर भी देखो घर वाले कितने खुश नजर आ रहे। उसी बात का तो डर है, कहीं ये बिंदी जीती हुई बाजी पलट ना दे। तो ये थी एक छोटी सी झलक कलिश के शो सुहागन की। आपको मजा आ रहा है ये शो देखते हुए? पर हमें तो बहुत मजा आ रहा है। कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, जिस तरह से स्टोरी का पेस है वो अच्छा है। लेकिन आगे क्या गौरी, घर वालों को और निजी दीदी को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो चाहते थे हम। मतलब तुम्हारा प्लान सफल हुआ? बिल्कुल नहीं। बहुत बुरा लग रहा होगा ना बिंदिया जी आपको सब लोगों को खुश देख। कितना उल्टा सोचते हैं आप कृष्णा जी। अरे हम तो बहुत खुश हैं, काहे कि हम जो चाहते थे वही तो हुआ। पर कहीं आपको तो बुरा नहीं लग रहा है हमारी ये मुस्कुराहट देखकर? अपनी नकली बत्तीसी दिखाना बंद कर और आप अपनी बकवास बंद कीजिए। तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे बिंदिया। काहे, अभी हम दिखाई नहीं दे रहे का? ओ गॉड, तुमको तो मुंह लगाना ही बेकार है। क्या सच्चाई की जीत होगी या फिर बुराई सच्चाई पर हावी हो जाएगी, या फिर सच्चाई सामने आने के लिए अभी काफी वक्त है? आप हमें जरूर बताइए आप सुहागन की रीसेंट एपिसोड्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में। और जी हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल ग्लिट्स विजन यूएसए को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाय, दिस इज भाविका शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।